उदयपुर के ठीक बीच में स्थित जगदीश मंदिर उदयपुर के पुराने शहर में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण है। दृढ़ और मजबूत खड़ा जगदीश मंदिर शहर के महल के बड़ा पोल से 150 मीटर की दूरी पर देखा जा सकता है। जगदीश मंदिर मेवाड़ राजवंश के सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। जगदीश मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य शैली को दर्शाता है। मंदिर का निर्माण हिंदू स्थापत्य विज्ञान वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये 3 मंजिला मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस पर शानदार नक्काशीदार खंबे, विशाल हवादार हॉल और रंग बिरंगी दीवारें हैं, जो जीवंत रंगों और जटिल रूप से सजी हुई छतों से सजी है। प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के स्वागत के लिए पत्थर की 2 विशाल हाथी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। प्रवेश द्वार पर पत्थर की पटिया पर उत्कीर्ण एक शिलालेख पाया जाता है। महाराज जगत सिंह ने मंदिर में अपने योगदान को दर्ज करने के लिए शिलालेख स्थापित किया था। मुख्य मंदिर 79 फीट ऊंचा है और ये शहर के क्षितिज को प्रमुखता से नियंत्रित करता है। मुख्य मंदिर के शिखर पर घुड़सवारों, हाथियों, संगीतकारों और नर्तकियों की मूर्तियां हैं, जो मंदिर की स्थापना के समय अभ्यास कर रहे थे। मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार से 32 कदम की दूरी पर है। यहां आपको गरुड़ की एक पीतल की प्रतिमा देखने को मिलती है, जो आधा मनुष्य और आधा चील की आकृति की है। हिंदू धर्म में गरुड़ का एक उल्लेखनीय महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गरुड़ भगवान विष्णु के घर के द्वार की रक्षा करते हैं। जैसा कि कहा गया है, भगवान शांति दूत हैं, इसलिए जब भी संदेह हो उनके पास जाएं और वे आपकी मदद करेंगे। दुनिया भर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जगदीश मंदिर आते हैं। मुख्य मंदिर अन्य देवी देवताओं के छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। ये मंदिर भगवान गणेश, भगवान शिव, सूर्यदेव और देवी शक्ति के हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ पर आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा है और यहाँ पर निरंतर ये भजन कीर्तन होता रहता है, तो अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का वहाँ पर प्रतिमाएं और अंदर से मंदिर देखने में कैसा लगता है। मुख्य मंदिर में पाई जाने वाली अगली मूर्ति भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली छवि है, जिसे जगदीश मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में से एक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देखने लायक है, क्योंकि इसे काले पत्थर के एक टुकड़े से तराशा गया है, जो इसे कला और भक्ति का एक अद्भुत नमूना बनाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति भक्तों पर सम्मोहित करने वाला प्रभाव डालती है और शांति और स्थिरता की भावना लाती है। मंदिर का निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था, जिन्होंने 1628 से 1653 तक उदयपुर पर शासन किया था। इमारत की पहली 2 मंजिलों में 50-50 खंभे हैं। प्रत्येक खंभे पर जटिल नक्काशी की गई है, जो इसे एक आश्चर्यजनक दृश्य बनाती है। Mm-hmm.
ही प्राचीन मंदिर है भाई ये, और आप जब उदयपुर आ रहे हो ना तो यार इस मंदिर के अंदर ज़रूर आना। बहुत ही प्यारा देखने में भी है और अंदर का माहौल भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर जो नक्काशी की गई है, जो शिल्पकला यहाँ पर करी गई है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर हर मंदिर के कोने कोने पर, हर एक दीवार पर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। नीचे राजा रजवाड़ों के हाथी घोड़े सब बनाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार मंदिर है। और अंदर आप घंटियों की आवाज़ सुन सकते हो, निरंतर यहाँ पर भजन कीर्तन होता रहता है। अंदर का भी मैंने आपको व्यू दिखाया, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा था। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सियाराम।